सृष्टि यहाँ देखिए क्या कर रही है। सृष्टि कहाँ फिर रही हो रे दाल। देखिए दोस्तों ये जो है ना वो बकरी के बच्चों को पिलाने वाला था वो वाला और नेपुल डिब्बा जिसमें ये दाल भर के पी रही है। क्या नाम है जी तुम्हारा? निखिल। ये देखिए दोस्तों हमारे शादी में एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से ये देखिए पूरा जल गया था, गाड़ी वगैरह गाड़ी पूरा ब्लास्ट हो गया था, देखिए हाथ में भी। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वीरेंद्र सुमन ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज चुका है और हमारे ये आंगन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब कल इस पे ढलैया हुआ था ना, जो लेंटर हुआ था, आज ये सूख के कैसा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है कुछ ऐसा। तो दोस्तों इस पे हमको आज पानी मारना था सुबह सुबह, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। पहले आप ये देख लीजिए, देखिए पानी नहीं आ रहा है, ड्रेसिंग में भी पानी नहीं आ रहा है और यहाँ बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए पानी नहीं आ रहा है, पूरे झरने में भी पानी नहीं आ रहा है। ठीक है तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, बताते हैं आप लोगों को पानी क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि हमारा जो समरसेबल था वो ख़राब हो चुका है, कल रात में ही ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो टंकी देख रहे हैं आप वहाँ पे, वो देखिए हमारा टंकी, वहाँ पे पानी जाता है समरसेबल से और उससे ही पानी पूरे रूम में जहाँ जहाँ ज़रूरत रहता है और पूरा ये बाथरूम में सब पानी उसी से जाता है। लेकिन समरसेबल ख़राब हो गया है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। तो ये छोटा सा एक इशू है जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वरना अभी इसमें पानी मार देते क्योंकि मिस्त्री साहब बोले थे इसमें पानी मारने के लिए सुबह सुबह, तो नहीं हो पाया। और चलिए और इससे देखिए सुमन जी का कर किचन में। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या हाल है? सेवई। इतना सा सेवई कौन खाएगा? ए? आप खाएंगे ना? दूध डाली हो? अच्छा अब यहाँ खाना बन गया? ठीक है तो इस साइड सुमन जी बना रही है सेवई और इस साइड दाल चावल बन गया है। और क्या बनाई? भुजिया बनाए, टमाटर तोड़ के लिए चटनी बनाना है। टमाटर तोड़ना है चटनी बनाने के लिए? ठीक है तो हम तो दोस्तों इधर सेवई बन रहा है हमारा, इधर दाल चावल ही बन गया है, भुजिया ही बना दी है मैडम जी। अब जा रहे हैं टमाटर तोड़ने, तब चटनी बनेगा उसका। ठीक है तो आते हैं लेके। ठीक है दोस्तों तो हम जा रहे हैं टमाटर तोड़ने, पुराने वाले घर के पीछे टमाटर लगा हुआ है, तभी वहीं जाएंगे तोड़ के आते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया था पुराने वाले घर में और इस चढ़ के सृष्टि का कर रही है। हेलो सृष्टि, गुड मॉर्निंग। ये है छोटी वाली बहन की बड़ी बेटी और ये है बड़ी वाली सिस्टर की बड़ा बेटा। क्या नाम है जी तुम्हारा? निखिल। ये देखिए दोस्तों हमारे शादी में एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से ये देखिए पूरा जल गया था, गाड़ी पूरा ब्लास्ट हो गया था, ये देखिए हाथ में भी कुछ इस प्रकार से है, जल गया था। ठीक है और ये है बड़ी सिस्टर की छोटा लाडला। क्या नाम है बाबू? तो ये मेरी बड़ी सिस्टर की छोटा वाला लड़का है और वो बड़ा वाला लड़का है और इधर सृष्टि है। सृष्टि बोलो गुड मॉर्निंग। ये काली होई? ये क्या करोगी? खेलना है। कहाँ जा रही हो खेलने? वहाँ। चलो ठीक है जाओ जाओ ना बाबू। देखिए तीनों पूरा बानर सेना निकल गया खेलने के लिए, सब जा रहे हैं खेलने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आया था पीछे वाले घर में, मैं काम से ही आया था, मुझे तोड़ना है टमाटर। ये देखिए हमारा बैंगन का पेड़ है, इस साइड टमाटर है और इस साइड देखिए हमारा ये कुड़ार है पूरा, इसमें हमारा पूरा सब्जी लगा हुआ है। यह लहसुन का खेत है और उधर प्याज लगा है, वो किनारे किनारे उस साइड पूरा प्याज लगा है, ये दो क्यारी में लहसुन लगा है। और देखिए हमारा टमाटर कितना सुनहरा सुनहरा फरा हुआ है इसमें, तो अभी मुझे ये तोड़ना है क्योंकि इसको तोड़ के लेके जाना है, चटनी बनेगा ना। ठीक है तभी चलिए अच्छा अच्छा तोड़ लेते हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा टमाटर है, ये देखिए हमारा देसी टमाटर है, ये इतना ज़्यादा पक गया कि टूट जा रहा है, तोड़ते तोड़ते ही फूट जा रहा है। अभी हम इसको तोड़ लेते हैं पूरा। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये देख ली और पूरा इसमें पूरा टमाटर टमाटर है और इस साइड बैगन है, ये वाला बैगन फरा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसमें से निकाल निकाल खाते रहते हैं ना, तो है कि नहीं पता नहीं। तो दोस्तों हमारा टमाटर टूटा हुआ हो गया है क्योंकि इतना तोड़ लिए हैं, इसमें ना टमाटर धनिया की पत्ती और सब टमाटर धनिया की पत्ती और सब डाल के लहसुन मिर्चा सब डाल के चटनी बनाना है हल्का सा, तो कुछ इस प्रकार से तोड़ लिए हैं और इस साइड पूरा है, इसमें से हम लोग निकाल के खाते हैं। ठीक है तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुका है, ठीक है, और आज पूरा दिन लाइट नहीं आया और हमारा समरसेबल भी नहीं बना है, जिसको वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इस साइड देख लीजिए, बर्तन माज रही है सुमन जी बाहर, तो तुम वो उस साइड चंपा का लेना, उस साइड से हम पानी ला के इसको दिए हैं, तो बर्तन माज रही है। सृष्टि यहाँ देखिए क्या कर रही है, सृष्टि का फिर दाल देखे दोस्तों, ये जो है ना वो बकरी के बच्चों को पिलाने वाला था वो वाला और नेपोल डिब्बा, जिसमें ये दाल भर के पी रही है पगली कहीं की। तो मुझे ना आंगन में पानी डालना है, जो कि मिस्त्री साहब बोले थे ना आंगन में पानी डालने के लिए, वो सेट हो चुका है, ठीक है, तो उसमें भी पानी डाल के बढ़िया से उसको तरिया कर देंगे ताकि वो अच्छे से और सेट हो जाए। तभी जाएंगे चंपागढ़ से पानी लेके जाएंगे वहाँ, ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस समय तरिया कर दिए हैं चंपाकल से पानी ला ला के, रोड पे चंपाकल है वहाँ से पानी लाए हैं, पूरा इसमें देखिए पूरा पानी मार दिया है, ठीक है, इस साइड सगरों तो भिजा दिए हैं पूरा अच्छे से, अब ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं पेंट, आई होप कि आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।